सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां एनकाउंटर पर छिड़े सियासी महाभारत का नया एपिसोड सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स करार दे डाला। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात पुलिस कर्मियों की जातीय जनगणना कर डाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का दावा है कि एसटीएफ में तैनात 21 लोगों में सिर्फ 2 पीडीएस समाज से हैं, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। इसको लेकर अखिलेश यादव ने आंकड़े भी जारी किए। इसका सोर्स यूपी पुलिस की वेबसाइट को बताया। अखिलेश यादव का आरोप है कि जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनाती दी गई है, जबकि जनसंख्या में 90% है उनको एसटीएफ में सिर्फ 10% की तैनाती मिली है। अखिलेश यादव ने जो इल्जाम लगाया उसका जवाब देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की। सीएम योगी गाजियाबाद में थे, जहां उन्होंने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर पलटवार किया। निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। अखिलेश यादव ने चंद दिन पहले कहा था कि मठाधीश को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता है। इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। अखिलेश यादव ने चंद दिन पहले कहा था कि मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश की तुलना औरंगजेब से कर डाली। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।